Yes, follow up two. Let's see follow up two. In follow up two, we have the first entry, and in the beginning only he told that within the state of Punjab, we are also living in Punjab. So whatever transactions are there that are within the state, so we will not be opening IGST. We will just be referring CGST and SGST. And the slab he is talking about 5%. Uska half of kar dijiye 2.5%. So every time I will be applying 2.5%, right? Upar likho heading journal. In the books of Jasdev, journal. In the books of Jasdev. Done. So date wala column you will run yourself. Come to the first entry. Goods are being purchased from Naseeb. Whenever the name of the person is being given, the transaction is assumed as on credit basis. So entry will be purchases account debited. Tell me the amount. Okay, purchases account debited 50,000. 50,000 का मैं सीधा पता 5% इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 5% कैलकुलेट करना आसान है. तो सीधा 2500 बन जाएगा. 2500 का हाफ 1250, 1250 कर दो. जल्दी हो जाती है ना कैसे कैलकुलेशन. अगर आपका मैथ फास्ट है तो यू कैन मल्टीप्लाई विथ 2.5, राइट. सो दिस विल बी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना सीक्वेंस वाइज, फिर स्टेट गवर्नमेंट. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू नसीब. सो इट इज 1250, इट इज 1250, 52,000 एंड 500 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू नसीब. कम टू नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू सुकेश, फिर से उधार पे. Sukesh account debited to sales to output CGST to output SGST, right? Sukesh account debited. Sukesh में अभी amount नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी में amount grand total आना है आगे तीनों का. To sales account कितने का? To sales account that is 90,000. 90,000 का मैंने 5% झट से किया 4500, half of कर दिया 2250, 2250 each. To output CGST. This is account. This is CGST to output SGST. Is it clear? This is 2250 overall 4500 beech mein add hua. So that will come to me 94,500. Clear? Chaliye achi sale ki entry bhi ho gayi. Aage chalte hain. Yes. याद रखना. यस, व्हेनेवर वी आर रिटर्निंग बैक द गुड्स टू नसीब, तो एंट्री बनेगी नसीब अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. इसको रिवर्स मैकेनिज्म देना है. रिवर्स मैकेनिज्म मींस उतना इनपुट भी खत्म करना है. अब कितना इनपुट खत्म होगा दैट वी विल सी. ठीक है, वो अमाउंट वाइज मैं प्रोपोर्शनली रिड्यूस करूंगी या जितनी अमाउंट की वापसी है उसी का 5% कैलकुलेट कर लो. ठीक है ना, तो भी सही आनी अमाउंट, तो वैसे ही करेंगे. सो वी आर सेंडिंग बैक द गुड्स टू नसीब. And the goods returned to Naseeb is of 10,000. Entry क्या बनेगी? Naseeb account debited to purchase return. और हमारी theory ने हमें सिखाया है कि जब कभी भी purchase return है तो input के लिए आपने reverse mechanism को क्या करना है? Use करना है. Means जब सामान खरीदा था तो input debit किया था, जब वही खरीदा हुआ सामान वापस जा रहा है तो input को reverse करना है debit की जगह. मतलब ये देखो, यहाँ पे सेटिंग ऑफ नहीं हो रही, बट इवन देन वी आर क्रेडिटिंग. अदरवाइज इनपुट इज गोइंग टू बी क्रेडिट इन द एंट्री ऑफ सेटअप, बट हियर बाय वी बॉट द गुड्स एंड वी रिटर्न इट बैक. सो इट इज आवर ड्यूटी उतने का रिवर्स मैकेनिज्म करो. ठीक है, दिस इज व्हाट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. चलिए जी, नसीब का बाद में अमाउंट फिल करेंगे. पहले परचेज रिटर्न 10,000 का है. 10,000 का मैंने 5% कर लिया, कितना बना 500, हाफ ऑफ कर दीजिए 250, 250. सो 10,500 डन. एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है? अगर मैंने सामान वापस भेजा है नसीब को, तो मेरे अपने कस्टमर सुकेश ने भी मेरे को सामान वापस भेजा है, दैट इज व्हाट आई कॉल सेल्स रिटर्न. उसे मैं क्या कहती हूँ? सेल्स रिटर्न. तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड. हाँ जी, यस, वहां पे आउटपुट का रिवर्स मैकेनिज्म होगा, वो भी उसने हमें थ्योरी में बताया हुआ है. गुड, आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड, आउटपुट एसजीएसटी डेबिटेड, और वो उसके ने जो सामान वापस भेजा दैट इज ऑफ 12,000. ठीक है, चलो देखते हैं. दिस इज व्हाट
सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी डेबिटेड, आउटपुट एसटीएसटी डेबिटेड। आप बताओ सबसे पहले मैं कौन सी अमाउंट फिल करूं, सुकेश की के सेल्स रिटर्न की? 12,000 कहां लिखूं? यस 12,000। पर्सनल अकाउंट हमेशा बाद में होना है, चाहे वो आपका परचेस है, चाहे वो आपका परचेस रिटर्न है, चाहे वो आपका सेल्स है, चाहे वो आपका सेल्स रिटर्न है। पहले सेल्स रिटर्न फिल होना है, सेल्स में पहले सेल्स फिल होना, फिर उसके ऊपर टैक्स लग के फिर पर्सनल अकाउंट होना। तो सेम इज हियर, सेल्स रिटर्न में 12,000 फिल करो, 12,000 का 5% किया 600 आया, हाफ ऑफ कर दीजिए 3,300। एनी डाउट टू एनीवन? कितनी जल्दी कैलकुलेशन होती है, बजाय इसके कि मैं 2.5 करूं, ठीक है मैं राउंड ऑफ अमाउंट कर लेती हूं फिर मैं हाफ ऑफ कर देती हूं। टू व्हाट? सुकेश, ही इज अ गिवर, ही इज सेंडिंग बैक द गुड्स टू मी, दैट इज 12,600। एनी डाउट टू एनीवन? आगे चलते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड, इसमें भी रिवर्स मैकेनिज्म है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रिवर्स मैकेनिज्म है, इनपुट क्रेडिट होगा। लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसटीएसटी। एनी डाउट अबाउट रिवर्स मैकेनिज्म? थ्योरी में उसने हमें सिखाया हुआ है, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स के केस में भी होता है, डोनेशन के केस में भी होता है, चैरिटी के केस में भी होता है, फ्री सैंपल के केस में भी रिवर्स मैकेनिज्म होता है, करवाया मैंने ये सारे केसेस। चलो लिखो जी फिर, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय यस फ्लड अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस। अब यहां पे सबसे पहले क्या फिल करूं? टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसटीएसटी। व्हाट टू फिल फर्स्ट? परचेसेस, कितने का सामान फ्लड के थ्रू नुकसान हुआ? 4,000 का क्रेडिट है, 4,000 का 5% किया 200 बना, मैंने हाफ ऑफ करना है 100 100, हियर बाय आई विल राइट 4,200। गॉट इट? एनी डाउट टू एनीवन? चलें आगे फिर, चलिए जी लेट्स सी नेक्स्ट। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, फिर से रिवर्स मैकेनिज्म, ड्रॉइंग के केस में रिवर्स मैकेनिज्म रहता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट, आगे बोलो, टू इनपुट सीजीएसटी रिवर्स मैकेनिज्म, टू इनपुट एसजीएसटी। क्या पहले फिल करूं? परचेसेस पहले फिल करूं? कितने का सामान दिया? 6,000 का, 6,000 का 5% कैलकुलेट किया 300 बना, मैंने हाफ ऑफ कर दिया 150 150 6,300। हो गई बात खत्म, चलें आगे, रिवर्स मैकेनिज्म डन विद, आगे चलते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी इज माय नॉर्मल एक्सपेंस, तो स्टेशनरी पे सीजीएसटी लगेगा ना, नॉर्मल एक्सपेंस है, जीएसटी लगना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड इनपुट एसटीएसटी डेबिटेड। अब सारी एंट्रीज आपके पास है, मैंने आप लोगों से ग्रैंड टोटल पूछना है सेट ऑफ के लिए, ठीक है? तो याद रखिएगा सारी एंट्रीज आपके पास सीक्वेंस में, मैंने तो बार बार इरेज किया है, तो यू विल गेट मी, गिव मी द टोटल, आई विल बी मेकिंग द वर्किंग नोट्स, फिर मेरी लास्ट वाली एंट्री पास होंगी। सो व्हाट आई हैव टू डू, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, यस आगे बोलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, क्योंकि खरीदा है, हर खरीद के ऊपर इनपुट लगता है, ठीक है, हर सेल के ऊपर आउटपुट लगता है। दिस इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, आगे बोलो, इनपुट एसटीएसटी डेबिटेड, आगे बोलो, टू कैश। सबसे पहले कौन सी अमाउंट फिल करूं, क्योंकि पेमेंट तो टैक्स के बाद करेंगे ना, इट मींस के पहले ये तीनों फिगर्स पुट करूंगी, जो टोटल आएगा वो मेरी पेमेंट होगी। सो स्टेशनरी आई बॉट 2,000 का 5%, 100 रुपया, 50 50, 2,100 की मैंने बिल की पेमेंट कर दी फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डन। दिस ऑल आई एम इरेजिंग, मेरे को अगली एंट्री करके रखनी है, और अमाउंट क्या होगी फिर वो मैं प्लस माइनस करके बताऊंगी, ठीक है? चलो जी, पहले एंट्री करके रखते हैं फिर अमाउंट फिल करेंगे। आउटपुट बोलो, सीजीएसटी डेबिटेड आउटपुट एसटीएसटी डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसटीएसटी टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डन करके रखते हैं फिर अमाउंट फिल करते हैं। आउटपुट
CGST debited, output SGST debited. मैं ना सारी एंट्रीज रीड करके सेल वाली एंट्री पढ़ लूंगी और मैं आपसे अमाउंट कंफर्म करूंगी कि उतनी ही है, ठीक. टू और सेल की एंट्री एक ही तो ही है सुकेश वाली, और एक उसका रिवर्स हो गया, याद है ना, सेल से रिटर्न, वो माइनस करके लिखेंगे. टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. दूसरी एंट्री में मैंने सामान बेचा था 90,000 का, 90,000 का 5% है ना, 5% 4,500 था, मींस 2,250 है, आउटपुट यही है, ठीक है. और किसी एंट्री में आउटपुट नहीं है, एम आई क्लियर. फिर आउटपुट को मैंने रिवर्स मैकेनिज्म किया, जब सुकेश ने मेरे को सामान वापस भेजा था उतने से माइनस करूंगी ना, ठीक है ना, क्योंकि वो तो मेरा राइट ऑफ हो गया, ठीक. सुकेश ने जब मेरे को सामान वापस भेजा 12,000 का भेजा, 12,000 का मैंने 5% कैलकुलेट किया, 600 बना, 600 का हाफ ऑफ किया 300, डन. और कुछ आउटपुट की ट्रीटमेंट है पूरे क्वेश्चन में? 2,250 में से 300 माइनस करके 1,950 लिख दूं? एनी डाउट टू एनीवन? सिंपल, सारे आउटपुट ढूंढो. आउटपुट एक एंट्री में ही सिर्फ क्रेडिट हुआ है और एक एंट्री में डेबिट हुआ है. जो डेबिट हुआ है वो माइनस करना बनता है ना, अकाउंट्स का रूल है ना. डेबिट का मतलब रिवर्स करो, ठीक है, वो मैंने माइनस कर दिया. अब सारे इनपुट ढूंढूंगी, आप मेरे साथ मैच करवाओगे. पहले क्वेश्चन में, पहले पॉइंट में 50,000 का 5%, 2,500 किया था, 1,250 इनपुट है, ठीक है. उसके बाद इनपुट रिवर्स हुआ था, 10,000 का 5%, 500, 250. क्यों रिवर्स हुआ है? परचेस रिटर्न है, 250 माइनस किया, 250 माइनस किया, ठीक है. आगे चलो, फिर कितने सारे रिवर्स मैकेनिज्म है. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 4,000 का 5% 200, 100 रुपया, 100 रुपीज ईच, रिवर्स मैकेनिज्म है. फिर गुड्स विथड्रॉन, 300, 150, 150, दिस आई शुड इरेज, 150, 150, रिवर्स मैकेनिज्म. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐड होगा, 2,000 का 5%, 50-50 रुपए. चलिए जी, 1,250 में 50 ऐड किया तो 1,300 बना, 1,300 में से 400 और 500 मैंने माइनस करना है. 1,300 में से 500 माइनस किया, 800, दिस इज 800, दिस इज 800, 1,900, 38 और 39, 3,900, 3,900 में से 1,600 माइनस कर दो, 2,500 रुपया गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं ना, बात खत्म. हाउ इजी इट इज, सारी गेम प्लस माइनस की तो है. जब आपको सेट ऑफ की एंट्री माइंड में बैठ गई है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डिफरेंस ना. और जहां जहां रिवर्स मैकेनिज्म है वो भी माइनस कर देना. रिवर्स मैकेनिज्म का मतलब क्या? राइट ऑफ दैट अमाउंट, यू सॉल्व्ड इट यस्टरडे ओनली, सेम आंसर आया. आंसर दे रखा होगा फॉलो अप टू का, देखो जरा, कैश लेजर का दे रखा है आंसर, पीछे आंसर दे रखे नो. चलो ठीक है, वी कलेक्टिवली सॉल्व्ड इट, सो इट इज करेक्ट. थर्ड फॉलो अप करना शुरू करो. थर्ड इलस्ट्रेशन इज सॉल्व्ड इन योर बुक, सो आई विल नॉट बी सॉल्विंग इट. आप थर्ड फॉलो अप करना शुरू करो एवरीवन. यस, स्टूडेंट सिटिंग ऑनलाइन, दे विल सॉल्व फॉलो अप थर्ड. और इसके बारे में किसी को भी कोई डाउट है, यू मे आस्क. उर्वी खुराना, आर यू देयर? नो, चलो छोड़ते. अनन्या अनम्यूट करो, अनन्या अनम्यूट करो. नो, गुड. खुशी अरोड़ा अनम्यूट करो. रमनीक सिंह अनम्यूट करो. ईशा ठाकुर अनम्यूट करो. ईशा अनम्यूट करो. गुड मैम. ईशा टेल मी द जर्नल एंट्री ऑफ फर्स्ट. आई रोट द ओवरऑल कैलकुलेशन ऑन द बोर्ड. ईशा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड. डिस्काउंट, ईशा मेरी बात ध्यान से सुनो, दिस डिस्काउंट वी नेवर शो इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Had it been my cash discount, तो मैं इसे जरूर शो करती. Trade discount is never to be shown in the books of accounts. Again, the confusions are there. अगर journal का chapter अच्छी तरह से ही नहीं आता, ये कहाँ से आना? Trade discount we never show in our books of accounts, बेटा जी. So see the entry, correct entry. I am writing purchases account debited.
Input CGST debited. Input STST debited to Pradeep Kumar. Okay, I will write just Pradeep. So purchases 160. 14,400, and it comes to me 1,88,800. Any doubt to anyone? So ek naya concept hum logon ne learn kiya. Whenever TD is being given, we first need it. Maan lo CD bhi hota to CD bhi pehle minus karte. Maan lo CD 10% hai, to main 160 ka pehle 10% karti aur fir transaction credit pe thodi na hoti, fir to cash pe hoti. Because CD is always being given on the cash transaction. Fir to Pradeep thodi na hota, fir to cash hota. Getting it? So he can make it more complicated by putting CD in the question. TD and CD both he can write. And being a rational person, we will always reduce the amount and then we will pay tax na. हम ज्यादा अमाउंट के ऊपर ज्यादा टैक्स क्यों देंगे गवर्नमेंट को? हम पहले डिस्काउंट के कारण अपना अमाउंट रिड्यूस कर लेंगे. एनी डाउट? फंडा इज क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं फिर. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुल्तान. यस, सुल्तान स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत सुल्तान. ठीक है, चलो दीपक बोलो. हाँ बिल्कुल ठीक. सुल्तान अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. सो सुल्तान में अभी मैं अमाउंट नहीं लिखूंगी. 99% है, 54,000 बनना है. 27,000 डाल देंगे. ठीक है, तो सुल्तान में आएगा 354. डन. सुल्तान इज टू बी डेबिटेड विद रुपीज 354,000 टू बोलो सेल्स अकाउंट विद रुपीज 3 लाख टू आउटपुट सीजीएसटी विद 27,000 टू आउटपुट एसजीएसटी विद रुपीज 27,000. एनी डाउट? आगे चलते हैं. इशूड चेक टू प्रवीण कुमार. प्रदीप की जगह प्रवीण था भाई, दिस इज प्रवीण ना. सो प्रवीण को अब हमने पेमेंट कर दी, क्या एंट्री करें? प्रवीण अकाउंट डेबिटेड. आगे बस जीएसटी का तो कुछ नहीं करना, क्या करना है? जब किसी को पेमेंट करते हैं तो कुछ रिवर्स करते हैं? नहीं पड़ा हुआ हम लोगों ने एंट्री में. सिंपल पेमेंट करनी है. प्रवीण अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद रुपीज 1,50,000. ओके, चेक के थ्रू करा है टू बैंक, देयर इज 1,50,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आता है सबको, अभी करवाया क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 8,000. 18% मैंने इसका कैलकुलेट करना है. 1,260 बनेगा. 18,800 नहीं, मैंने गलत कैलकुलेशन करी. 128 बनेगा सर. 9 कर लो. चलो कितना बनेगा? 162 तो 3,240 बनेगा. 720 मैं क्या कर रही हूँ? मैं 18 पे कर रही हूँ. 9 पे कर, 8 पे करना है ना. 8, 9, 72. ठीक है जी, 1,440 बना. डन. 720 डन. रिसीव्ड रेंट. हाँ, रेंट रिसीव पे कभी भी कुछ नहीं होता. रेंट पेड पे होता है. रेंट पेड पे होगा इनपुट. ठीक है, रेंट रिसीव पे नहीं होता कुछ भी, कोई टैक्स नहीं होता. चलो नई चीजें हम सीख रहे हैं. आगे चलो जी. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, दो बार सेल हुई चेक और उसी दिन चेक बैंक में जमा करवा दिया, कोई बात नहीं. बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये मैं करती हूँ. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स राइट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहले सुल्तान डेबिट किया था बिकॉज दैट वॉज ऑन क्रेडिट, दिस वॉज ऑन कैश. ठीक है, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट फिल करते हैं. टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी एंड द सेल इज ऑफ रुपीज 1,50,000. 1,50,000 का क्या, कितना? 9%. 9% 1,350 है ना. देखो 15,935 ही है. 13,500 27,000 ऐड हुआ. 1,77,000. अब सेट ऑफ करना है? नहीं, सेट ऑफ की पूछ ही नहीं. क्वेश्चन बहुत आसान है. जब तक वो खुद सेट ऑफ की नहीं पूछता हम नहीं करते. मशीनरी की परचेज पे भी इनपुट लगता है भाई. कैपिटल गुड्स वी आर बाइंग, फिक्स एसेट्स वी आर बाइंग, तो इनपुट लगता है. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, यस, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट
एसटी डेबिटेड टू कैश. मशीनरी वॉज ऑफ रुपीज 50,000. 50,000 का 99% 4500 4500. सो मशीनरी ओवरऑल एज ऑफ 59,000. डन. जब तक वो खुद सेट ऑफ की नहीं पूछेगा आई विल नॉट पास. राइट. सो हियर द क्वेश्चन एंड्स अप. रेंट रिसीव्ड है. रेंट रिसीव्ड आई एम डाउटफुल. बताओ मेरे को पेज नंबर. बताओ पेज नंबर 5.14 पे आइए भाई. देखिए दिसंबर 14. ओके सॉल्वड है. रेंट पेड है ना. मेरा रिसीव्ड है. यही तो डिफरेंस है. दोबारा बोलो. पेड पे दिया हुआ. मैंने बोला पेड पे होता है. रिसीव्ड पे आउटपुट लिखूंगा. कहीं पे थ्योरी में लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड. कहीं पे थ्योरी में लिखा है. कई चीजों के बारे में डाउट ही रहता है भाई. किसी भी पेज पे रेंट रिसीव्ड के बारे में नहीं लिखा. और कोई क्वेश्चन सॉल्व है जिसमें रेंट रिसीव्ड है. चलो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. आई विल टेल यू टुमारो. मैं किसी दूसरी बुक में से रेफर करती हूँ और वी विल चेक फ्रॉम द नेट. राइट. क्योंकि क्वेश्चन में ही आया ना. फॉलो अप में आया. इलस्ट्रेशन किसी में भी रेंट रिसीव्ड नहीं है. तो वी आर डाउटफुल कि इसके ऊपर आउटपुट होगा कि नहीं. राइट. बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर है ना. और किसी चीज के बारे में तो डाउट नहीं है. रेंट पेड तो मेरे को इलस्ट्रेशन बताती है. रेंट पेड मींस वी आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड वी आर सपोज टू पे द टैक्स. ठीक है. व्हेन वी रिसीव द टैक्स तो हमारे लिए हम टैक्स लेंगे कि नहीं. वैसे तो लेना चाहिए. अगर पेमेंट के टाइम पे हम देते हैं टैक्स तो लेते हुए भी तो टैक्स लेंगे ही. चलो फिर भी मैं कंफर्म करती हूँ नेट में से. राइट. सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. बाकी कल करेंगे.